हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमबीबीएससी प्री क्रश कोर्स के आज हम 20वां भाग पढ़ने वाले हैं, सी सीरीज़ का 20वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और ये सी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले कि 19 जो भाग अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वो प्लेलिस्ट पर जाके इसके पूरे भाग देख लीजिएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और मेरे चैनल के, और प्लेलिस्ट में आपको 30 डेज क्रैश कोर्स मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो सी सीरीज़ चल रही है, इस पर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ने वाले हैं और ये यूनिट 9 का टॉपिक है। इसकी PDF आप हमारे इंस्टा मोजो से और प्ले स्टोर जीके विद आकांक्षा से ले सकते हैं, साथ में आप मुझसे भी ले सकते हैं। इसका चार्ज जो है वो 20 रुपये है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक कंप्यूटर विज्ञान की एक भाषा है, याद रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक भाषा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कोई भी मशीन बनती है और जब वो काम करती है तो वो एक, आपको पता है, वो दिमाग से काम करती है। ऐसा लगता है अपना, जैसे कंप्यूटर काम करता है तो वो एक दिमाग की तरह काम करता है। तो उसमें क्या मिला हुआ होता है, क्या मिला हुआ था मशीन में, कि वो मानव के दिमाग की तरह काम करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल जो बुद्धि होती है, कृत्रिम बुद्धि होती है। तो इसका उद्देश्य होता है बुद्धिमान मशीनें बनाना। सबसे पहले किसने बताया था कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं? हर्बर्ट साइमन ने। सबसे पहले किसने बताया था कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं? हर्बर्ट साइमन ने बताया था। एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में किसने बताया? एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में बताया ट्यूरिंग ने। ट्यूरिंग ने कब बताया? 1935 में। एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में किसने बताया था? ट्यूरिंग ने बताया था। ट्यूरिंग ने ये कब बताया था? 1935 में बताया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता हैं जॉन मेकार्थी। कौन हैं? जॉन मेकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता हैं। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्पारोव को हराने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्पारोव हैं, उनको हराने वाले कंप्यूटर का नाम है डीप ब्लू। कौन सा है? डीप ब्लू। नियोन क्या है? NEON नियोन क्या है? एक AI ह्यूमन है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यक्ति है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? पालो अल्टो कैलिफोर्निया में है। कहाँ? किसका? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में सहयोगी कौन है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में सहयोगी है ट्यूरिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट सहयोगी है? ट्यूरिंग टेस्ट। सोफिया रोबोट को किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता दी है? सोफिया रोबोट को हाल ही में नागरिकता दी है सऊदी अरब ने। किसने दी है? सऊदी अरब ने दी है। AI के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो AI के लिए 3 प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती है, लिस्प, पाइथन और प्रोलॉग। कौन कौन सी? लिस्प, पाइथन और प्रोलॉग AI के लिए उपयोग की जाती है। इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु 22 जनवरी 2020 को एक अर्ध मानवीय रोबोट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? व्योम मित्र। तो ये याद रखिएगा, व्योम मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 2020 को किया गया था। किस प्रकार का रोबोट है? ये अर्ध मानवीय रोबोट है और इसमें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि रोबोट जो बनाते हैं, रोबोट मानव की तरह काम कर क्यों कर पाता है? क्योंकि उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। तो व्योम मित्र क्योंकि अर्ध मानवीय रोबोट है, कि मानव जैसा सदस्य रोबोट हमने बनाया है, तो इसलिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। किसने किया है? सिटी यूनियन बैंक ने किया है। आर्या क्या है? आर्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाई एक स्टार्टअप है। आर्या क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए चलाई जाने वाली एक स्टार्टअप है। AI में BTech शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? तो AI में BTech शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है हैदराबाद, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद AI में BTech कराने वाला पहला संस्थान है। लिस्प का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसर। लिस्प का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसर है। लिस्प को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो लिस्प को विकसित करने का श्रेय जाता है जॉन मेकार्थी को। लिस्प को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन मेकार्थी को जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन हुआ दिल्ली में। कहाँ हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020? कहाँ हुआ? दिल्ली में। चेकर्स गेम खेलने
चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा बना, किसने बनाया ये? तो ये बनाया क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने। किसने? क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने। एलेक्सा किस कंपनी का है? तो एलेक्सा मतलब किस कंपनी का है? तो ये अमेज़न का है, और ये AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। किसका है? अमेज़न का है, और AI बेस्ड है। जो एलेक्सा आपने सुना होगा TV में एड में सुना होगा, तो इसमें भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है। AI यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? संयुक्त अरब अमीरात में। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? संयुक्त अरब अमीरात में। और AI पे डिग्री देने वाला पहला भारत का कौन सा? IIT हैदराबाद। 2020 को AI वर्ष घोषित किसने किया था? तेलंगाना ने। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, 2020 को AI वर्ष घोषित किया। BixY किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सैमसंग का। जैसे अलेक्सा अमेजन का है, वैसे BixY जो है सैमसंग का है। सैमसंग जो है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। और BixY किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सैमसंग का है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस का जो आपका नवंबर में प्री आने वाला है और जो अक्टूबर में आपका मेंस है, तो आपको पता ही है 2 महीने मिलेंगे। तो अगर आप मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, या मेंस और प्री दोनों का लेना चाहते हैं, या प्री का लेना चाहते हैं, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 25 जुलाई जो रेट है उसके सब बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोरोना के कारण हर चीज़ महंगी हो गई है, कॉपी भी कराना महंगा हो गया है, कुरियर भी महंगा हो गया है। तो आप अगर लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स का रिव्यू आप मेरे मेंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो आप अभी कोई भी अमाउंट देकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जब आपके पास पूरा पेमेंट हो जाएगा तो आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं, ताकि जो भी रेट बढ़े उसका फ़र्क आप पर ना पड़े। तो आप ले सकते हैं, मेंस की जो फाइल मिलेंगी उसमें आपको 27 फाइल आपकी 5 और 11 मार्क्स की मिलेंगी, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज मिलेंगी। साथ में 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी, और 8 फाइल आपको पुराने पेपर की मिलेंगी, अगर आप लेना चाहते हैं पुराने पेपर। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 27 और ये 12 फाइल मिलेंगी, तो आप ये ले सकते हैं 39 फाइल। अगला क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर क्या है? तो ये AI पर आधारित फिल्में हैं। क्या है? द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर AI पर आधारित फिल्में हैं। डीप माइंड किस कंपनी से संबंधित है? डीप माइंड गूगल से संबंधित है। किससे है? गूगल से। सेम जो एक रोबोट है, AI रोबोट है, वो कहाँ का है? सेम AI रोबोट जो है वो न्यूजीलैंड का है। कपिल देव ने AI इन्वेस्टर कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कपिल देव ने किस AI कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया है? वो है हार्मोनाइजर इंडिया। कौन सा है? हार्मोनाइजर इंडिया। सिरी किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सिरी जो है वो एप्पल का AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया? क्रिस्टोफर स्ट्रैची के द्वारा लिखा गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया? क्रिस्टोफर स्ट्रैची के द्वारा। कब लिखा गया? 1951 में। इस प्रोग्राम को किस कंप्यूटर पर चलाया गया? जो प्रोग्राम लिखा था क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने 1951 में, कहाँ, किस पे चलाया गया और किसने चलाया? तो ये प्रोग्राम क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने चलाया। प्रोग्राम का नाम था चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम। कौन सा था? चेकर ड्राफ्ट प्रोग्राम। और किस कंप्यूटर पर चलाया? फेरांटी मार्क फर्स्ट पर। किस पर चलाया? फेरांटी मार्क फर्स्ट पर चलाया। प्रोलोग क्या है? प्रोलोग प्रोग्रामेशन ऑन इन लॉगिक। प्रोलोग क्या है? प्रोग्रामेशन इन लॉगिक प्रोलोग का फुल फॉर्म है। ये द लॉजिक प्रोग्राम भाषा है। प्रोलोग किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रांस के एलन कोलमेरोर के द्वारा विकसित किया गया। प्रोलोग किसके द्वारा विकसित किया गया? फ्रांस के एलन कोलमेरोर के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? फ्रांस के एलन कोलमेरोर के द्वारा। डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट किसने विकसित किया? तो एडवर्ड फैनबॉम तथा जोशुआ लैंडरबर्ग ने किया। किसने? एडवर्ड फैनबॉम तथा जोशुआ लैंडरबर्ग ने किया। कब किया? 1965 में। जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल 1981 में किस योजना से की गई? तो जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल किस योजना से की? 5th जनरेशन से की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी।
भावनात्मक रोबोट बनाने पर कार्य सबसे पहले किसने किया? तो भावनात्मक रोबोट बनाने पर कार्य सबसे पहले किया द सिंथिया ब्रेजल ने किया। द सिंथिया ब्रेजल ने कब किया? 1990 में। भारत भावनात्मक रोबोट बनाने पर काम किसने किया? द सिंथिया ब्रेजल ने किया। कब किया? 1990 में। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट कौन सा है? किस्मेट। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट कौन सा रोबोट है? किस्मेट है। याद रखिएगा, किस्मेट सबसे भावनात्मक रोबोट है। इसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन है? रोबोकॉप है। विश्व का पहला पुलिस अधिकारी कौन है? रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप है। ये दुबई पुलिस बल में शामिल हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के। हर्षा पटेल, निखिल, निकिता, आप सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। माया और हीरेश तिवारी, एच एम तिवारी जी, तो ये सभी लोगों के मैसेज मैं पढ़ती हूँ। और भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं उनके नाम एकदम से याद नहीं आते हैं मुझे वीडियो में, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। और मैं आप लोगों की जो एग्ज़ाम आएगा उस तक जो आप लोग बोल रहे हैं कि एमपी करंट करवा दो और इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यू है वो करवा दो, तो वो मैं सभी मेरे माइंड में है कि मुझे करवाना है। 2-3 दिन में मैं इकोनॉमिक्स का जो एमपी का है और इंडिया का है वो भी आपको करवा दूँगी। गूगल डीप माइंड की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। गूगल डीप माइंड क्या है? एक ब्रिटिश कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गूगल डीप माइंड का मुख्यालय है लंदन में है। पाइथन जावा क्या है? पाइथन जावा एक कृत्रिम बुद्धि मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। सोफिया रोबोट को किस तरह दिखने वाला बनाया गया है? सोफिया रोबोट को किस तरह दिखने वाला, यह एक हॉलीवुड अभिनेत्री जैसा लगता है सोफिया रोबोट। और इसका नाम क्या है? ऑड्री हेपबर्न। क्या है? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न एक हॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन जैसे सोफिया रॉबर्ट लगता है। कमजोर एआई क्या होता है? एक कमजोर एआई होता है, एक शक्तिशाली एआई होता है। ये दो प्रकार होते हैं एआई के। तो कमजोर एआई क्या होता है? एक ही प्रकार का जो काम कर सकता है केवल, तो एक ही प्रकार का जो काम कर सकता है वो कमजोर। एप्पल का सिरी और गूगल का वॉइस सिस्टम कमजोर एआई के उदाहरण है। याद रखिएगा, ये सिरी कहाँ का है? एप्पल का है। गूगल का वॉइस सिस्टम कहाँ का है? गूगल का। तो ये कि केवल एक ही काम कर सकते हैं, हमने गूगल को बोल दिया, गूगल वो ही आपको बता देगा, तो एक ही प्रकार का काम कर सकते हैं। शक्तिशाली एआई क्या होता है? मुश्किल टास्क को हल करने में उपयोग होते हैं। AAAI ट्रिपल एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रिपल एआई की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। 2007 में इसका नाम बदल दिया गया, AAAI का क्या रख दिया गया? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, इंपॉर्टेंट PDF और वीडियो मिलती रहे। किस बजट में प्रावधान किया गया कि नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा? किस में बजट में प्रावधान किया गया? 2018-19 के बजट में। AI संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल को कार्यान्वित किया जा रहा है कितने जिलों में? तो AI संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल को 10 आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कौन कौन से हैं? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। भारत में AI का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बेंगलुरु है। भारत में AI का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बेंगलुरु। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए स्कूल ऑफ AI को शुरू करने का निर्णय किसने लिया? IIT दिल्ली ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए स्कूल ऑफ AI को शुरू करने का निर्णय किसने लिया है? IIT दिल्ली ने। मध्य प्रदेश में कहाँ रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया? तो मध्य प्रदेश में कहाँ रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया? इंदौर में। आस्क दिशा चैटबॉट लॉन्च किसने किया? IRCTC ने। आस्क दिशा चैटबॉट लॉन्च किसने किया? IRCTC ने। हिंदी भाषा में ग्राहकों से बातचीत करने। फ्रेंड्स, यूनिट 9 हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। यूनिट 9 की ईबुक आप ले सकते हैं मुझसे, 150 रुपीज़ उसका चार्ज है। उसमें आपको पूरी अलग अलग टॉपिक जो जितने भी यूनिट 9 के दिए हैं सभी वन लाइनर फैक्ट उसके आपको एक साथ मिल जाएंगे। रोबोसेन क्या है? रोबोसेन एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है। रोबोसेन क्या है? मोबाइल रोबोट प्रणाली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितने सूत्री रणनीति तैयार की? 7 सूत्री। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितने सूत्री रणनीति तैयार की? 7 सूत्री।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कब लॉन्च हुआ? सितंबर 2020 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कब लॉन्च हुआ? सितंबर 2020 में। सिकटपल क्या है? मेडिकल क्षेत्र में AI संचालित है। सिकटपल क्या है? मेडिकल क्षेत्र में ये AI संचालित है। मॉर्फ AI क्या है? मार्केटिंग ग्राहक सेवा के लिए चैटबोट है। मॉर्फ AI क्या है? मार्केटिंग ग्राहक सेवा के लिए चैटबोट। फ्लूड AI क्या है? फ्लूड AI ये है कि चेहरे की पहचान कर सकते हैं। बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। आर्या AI क्या है? एक न्यूरल नेटवर्क है, मानव मस्तिष्क के समान है। कौन सा? आर्या AI। फिर है एक्टिव AI। एक्टिव AI क्या है? बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। एक्टिव AI का काम क्या है? बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। टेस्ला क्या है? कार में सेल्फ ड्राइविंग जैसे AI तत्व इसमें शामिल है। किसमें? टेस्ला जो कार है उसमें सेल्फ ड्राइविंग जैसे तत्व शामिल है। गूगल मैप में भी जो है AI का ही प्रयोग किया जाता है। किसमें? गूगल मैप में। नेस्ट क्या है? एनर्जी बचाने वाला है ये नेस्ट। AI आधारित है और इसको नेस्ट को 2004 में गूगल ने खरीदा था। तो नेस्ट क्या है? एनर्जी बचाने वाला है, AI पर आधारित है, 2004 में इसको गूगल ने खरीदा था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को आगे किसने बढ़ाया है? नॉर्बर्ट विनर ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को आगे किसने बढ़ाया? नॉर्बर्ट विनर ने बढ़ाया। पहला AI किसने डिज़ाइन किया था? पहला AI डिज़ाइन किया था नेवल और सिमोन ने। पहला AI किसने डिज़ाइन किया? नेवल और सिमोन ने किया। कब किया? 1955 में। AI रिसर्च सेंटर का गठन कब हुआ? किस इंस्टीट्यूट द्वारा हुआ? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हुआ। AI रिसर्च सेंटर का गठन किसके द्वारा हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हुआ। AI किसका प्रयोग करता है? AI व्युत्पन्न ज्ञान का प्रयोग करता है। AI किसका प्रयोग करता है? व्युत्पन्न ज्ञान का। LV नामक प्रोजेक्ट किसने बनाया? किस देश ने बनाया LV नामक प्रोजेक्ट? LV नामक प्रोजेक्ट बनाया है ब्रिटेन ने। LV नामक प्रोजेक्ट किस देश ने बनाया है? ब्रिटेन ने। गूगल के अल्फागो ने मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड गेम गो में हराया। गूगल का एक अल्फागो है, उसने मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में हराया। तो अल्फागो ने किस में हराया मानव को? कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में। किस में हराया? अल्फागो ने मानव को किस में हराया? एक कंप्यूटर बोर्ड ये खेल है गो, उसमें हराया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ये, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। जो जो मैं टॉपिक करा रही हूँ आप लोग के, अर्थशास्त्र के और करंट के भी मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी, उन पर काम चल रहा है, 2-3 दिन में ही आपके पास आ जाएंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो सुन लीजिएगा, आपको ये सभी टॉपिक वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आकर आपको याद आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।